हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफसर आलम, मैं बेंगलोर से हूँ और मैं एशिया टेलीकॉम में आया हूँ ट्रेनिंग के लिए 28 दिसंबर 2023 की बैच। तो आज हम बताएंगे, आज मेरी ट्रेनिंग हुई है ऑडियो ग्राफिक आईसी के बारे में और आज हम बताएंगे ग्राफिक आईसी का डायग्राम। तो ग्राफिक आईसी चार प्रकार के होते हैं, पहला पीएमआई और दूसरा पीएमएल, तीसरा 63P और चौथा जो यूनिवर्सल है, सभी पीसीबी के बोर्ड में मिला जाता है, पाया जाता है, वो है 15 वोल्ट की यूनिवर्सल आईसी। तो ये आईसी को चालू करने के लिए 4 वोल्ट की जरूरत होती है। दो प्रकार के वोल्ट की जरूरत होती है, एक 4 वोल्ट है, एक 1.8 वोल्ट है। तो हमको 4 वोल्ट DC to DC आईसी से VPH के द्वारा 4 वोल्ट आईसी में इन होता है और ये 4 वोल्ट जाता है C1 में और C1 से कॉइल लगी हुई होती है, बूस्ट कॉइल लगी हुई होती है जो बूस्ट करके हमको D1 पे पहुंचाता है। तो ये दोनों पिन वोल्टेज की हो गई जिसमें 4 वोल्ट दोनों में आता है और उसके बाद वोल्ट के बाद हमको वोल्ट है तो ऑब्वियसली ग्राउंड की जरूरत चाहिए। तो ग्राउंड आता है हमको 3 पिनों में, B3, D2 और E1। ये 3 पिन ग्राउंड के हो गए। उसके बाद हमको CPU के द्वारा EN सिग्नल की जरूरत है और EN सिग्नल आता है हमको CPU के द्वारा A1 और B1 में, 1.2 वोल्टेज का और 1.8 वोल्टेज का। उसके बाद हमको कमांड की भी जरूरत है। कमांड हमको मिलता है V2 और C2 से और ये कमांड है SDA और SCL। SDA है डेटा प्लस और डेटा माइनस, इसमें दोनों एक SDA है एक SCL है और ये चारों ये पॉइंट को पावर की जरूरत है। पावर दो वोल्टेज SDA SCL उसके लिए पावर के लिए पुल अप रजिस्टर डाले, दो SDA है और SCL है, इसको पुल अप पावर के लिए पुल अप रजिस्टर की जरूरत है जो हमको पावर आईसी से आते हैं और इसको हम लॉजिक लो और लॉजिक हाई भी बोलते हैं, जो रजिस्टर जिस प्रकार के लगे हुए हैं। और उसके बाद ये सभी होने के बाद चार्जिंग पंप आता है जो A3 और C3 में लगा हुआ होता है, जो आपस में कनेक्टेड हुआ होता है, जिसके बाहर कैपेसिटर लगा हुआ होता है जो चार्जिंग पंप चार्ज को पंप करता है और चार्ज को स्टोर करके समय समय पर अगर आईसी ठीक से काम नहीं कर रही हो या फिर आईसी को पावर की आवश्यकता हो तो वो कैपेसिटर चार्ज हमको बूस्ट करके वापस भेजता है। यहाँ से 4 वोल्ट निकलता है और वो बाहर 4.5 वोल्ट या 4 से 5 वोल्ट बना के वापस हमको आईसी के अंदर ही इनपुट देता है। उसके बाद होता है वीबस, जो आईसी चलती है तो इसमें हीटिंग ऑब्वियसली आती है और ये हीटिंग को फिल्टर करने के लिए लगा हुआ होता है जो D3 और E2 में लगा हुआ है और इसको आईसी का हीटिंग प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, हीट को फिल्टर करता है। और उसके बाद ये सब सभी सही होने के बाद हमको ऑटोमेटिकली आउटपुट मिल जाता है और वो आउटपुट होता है A2 और E3 से और वोल्टेज निकलता है -5 और +5। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्म।